ये आ गया जी अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, देख लो। नंबर वन पे इंडिया चल रही है, नेट रन रेट है +1.821, ये तो चलो जय हिंद। नंबर टू पे न्यूजीलैंड है, तीन मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 1.604। फिर साउथ अफ्रीका है, दो मैच खेले दो जीते, इनकी नेट रन रेट सबसे ज्यादा है 2.360। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान टॉप फोर में और पाकिस्तान का बहुत 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 अच्छा चांस बन गया है। आज जो इंग्लैंड हारा है और ऑस्ट्रेलिया भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लास्ट पे आ गया बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट के चलते 10वें नंबर पर है, अफगानिस्तान 6ठे नंबर पे आ गई आज। तो पाकिस्तान के लिए कि भाई इंग्लैंड भी बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है, उनको धक्का दो, दरवाजा बंद करो, खुद टॉप फोर में आओ, इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा पाकिस्तान को इतनी बुरी क्रिकेट खेलने के बावजूद। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये चार टॉप पे हो सकते हैं, बट लंबा टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकती है, इंग्लैंड भी कमबैक कर सकती है। पांचवें नंबर पर इंग्लैंड, बुरे हाल है, फटे हाल है नेट रन रेट के। छठे नंबर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ऊपर अफगानिस्तान, श्रीलंका से ऊपर अफगानिस्तान, नेदरलैंड से ऊपर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर अफगानिस्तान। हालांकि एक मैच कम खेला ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर भी जब जीती भी ऑस्ट्रेलिया, नेट रन रेट इतना बुरा है कि शायद अफगानिस्तान से ऊपर ना आ पाए। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सो क्रूशल। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाए दो चीजें करेगा, एक तो ऑलमोस्ट सर्टन अपने आप को करेगा कि भाई हमारा अब चांस, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी, अब तो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द टेबल, हम दरवाजे के अंदर आ चुके हैं, बस टेबल पे बैठने की देर है टॉप फोर में। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वो नॉकआउट ब्लॉ देता है, अगर पाकिस्तान जीता, ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट बुरी होगी, तीन मैच में तीन हार हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा वापस आना, बिकॉज सारे मैच जीतने पड़ जाएंगे वहां से, सारे मैच उनको जीतने पड़ेंगे और तगड़े नेट रन रेट से। पाकिस्तान के लिए हो जाएगा, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, प्लस हमारी नेट रन रेट भी ठीक ठाक जा रही है। सो पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में इंश्योर कर सकता है कि दो चीजें इंश्योर कर सकता है कि भाई हमारा तो ऑलमोस्ट सर्टन है, बट ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट भी कर सकता है पाकिस्तान। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान को हराता है, एकदम से नीचे से ऊपर वाली स्टोरी हो जाएगी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। वहां से टॉप फोर में आने की जर्नी ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो जाएगी कि नहीं जी हमने ही बनानी है अपनी जगह। उसके बाद अगर आप देखें इंग्लैंड के लिए, अभी फिक्स्चर्स भी दिखा देना, अच्छा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का नेक्स्ट मैच किससे आता है? न्यूजीलैंड, वो टेस्ट मैच। अच्छा देखो न्यूजीलैंड ऑलरेडी जीता हुआ है, वहां पे अफगानिस्तान का ज्यादा चांस मुझे नजर नहीं आता, बिकॉज न्यूजीलैंड के भी स्पिनर्स भी तगड़े हैं, बहुत बैलेंस साइड है न्यूजीलैंड, वो ऐसी साइड नहीं चल रही कि ऊपर नीचे करें, वो अफगानिस्तान को हराना चाहिए। हालांकि आज मोमेंटम मिला अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर डुपर कॉन्टेस्ट, बिकॉज जहां पे स्पिनिंग ट्रैक नहीं, अभी तो देखो पाकिस्तानी हर बात में आप लोग बहाने बना रहे हो, हमारे लिए स्पिनिंग ट्रैक दे दिया, हमें छोटा ग्राउंड दे दिया, हमें फ्लैट ट्रैक दे दिया, क्राउड ने जय श्री राम बोल दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। श्रीलंका में भी जब दोनों टीम्स के लिए बराबर ही कंडीशंस थी, अफगानिस्तान गेव टफ फाइट टू पाकिस्तान। अगर श्रीलंका की तरह जो सेकंड वनडे में हुआ था कि अफगान प्लेयर्स ने 300 मार दिया था, अगर ये लोग 250 से ऊपर मार गए बैटिंग पहले करते हुए, पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल होगा इनके स्पिनर्स को खेलना। भाई साहब नबी, मुजीब, राशिद हमेशा बाबर को टफ टाइम देता है और पूरी टीम को भी, बड़ा मुश्किल होगा भाई वो मैच, तगड़ा मैच होने वाला है तो? चेन्नई के अंदर तगड़ा मैच होने वाला है। नूर अहमद ले आए तो? नहीं, नूर अहमद भी ला सकते हैं स्पेशली, अच्छा ऊपर से फजल अक फरूकी भी विकेट लेता है इनके अगेंस्ट, वो तो एंड में जाके नसीम शाह से हारता है, नसीम शाह है नहीं, सारे जो सितारे हैं ना वो अफगानिस्तान की तरफ फेवर में जा रहे हैं। भाई इंग्लैंड को भी हरा दिया, नसीम शाह भी नहीं है, स्पिनर भी तगड़ा कर रहे हैं, किस किस से बचोगे? रही इंग्लैंड की बात, फिटे मुंह तुम्हारा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हमने टेम्पलेट चेंज कर लिया, हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेल लिया, जब तुम में इतनी अकल नहीं है कि 284 इस पिच पे कैसे चेंज होगा, स्पिनर तुमसे खेले नहीं जा रहे, स्पिनर को सेट करवा रहा है, सारे क्रीसे खेले जा रहे स्पिनर को। जो पाकिस्तान ने गलती करी इंडिया के अगेंस्ट, जैसे स्पिनर आए, देखो बाबर आजम भी ठीक खेल रहे थे, रिजवान भी ठीक खेल रहे थे, जैसे स्पिनर आए टुक टुक शुरू कर दी कि क्रीसे खेल लेंगे जी, डिफेंड कर लेंगे जी, बचा लेंगे जी, बच नहीं पाओगे क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट। अगर तुमने अटैक नहीं करा, स्पिनर एक ओवर नहीं दो ओवर लेगा तो मैं आउट कर देगा, वही आज मुजीब ने करा, वही नबी ने करा, वही राशिद ने करा, और तीनों डिफरेंट टाइप के स्पिनर हैं इनके, एक से बचोगे दूसरा मारेगा, दूसरे से बचोगे तीसरा मारेगा, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, अश्विन से बचोगे जडेजा मारेगा, जडेजा से बचोगे कुलदीप मारेगा, तीनों से बच जाएगा बुमराह मार देगा,
उससे बच जाओगे अपना हार्दिक बैठा है और आपका बुमराह सॉरी सिराज बैठा है। कुछ कुछ मैच में शार्दुल भी खेल जाता है। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज इस विक्ट्री के बाद अफगानिस्तान ने जो मारा है यहां पर, अफगानिस्तान ने जो डिफीट करा है इंग्लैंड को, यहां से पूरा का पूरा अब मामला खुल जाता है वर्ल्ड कप का। टॉप फोर में इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जरूर लग रहे कि ये तीनों बड़े स्ट्रांग है, लेकिन चौथी पोजीशन के लिए पूरा खुला दरबार है भाई। जो भी पाकिस्तान को बोला गया आओ भाई आ जाओ लूट लो सबके लिए, इंग्लैंड ने बोला आ जाओ आप, हमारे से नहीं हो पा रहा आप आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया ने बोला हमारे से नहीं हो पा रहा पाकिस्तान आप जाओ, पाकिस्तान भी खुद बोल रहा है यार हमें भी अपने आप पे शक हो रहा है, अफगानिस्तान बोल रहा है क्या हम जा सकते हैं, सवाल है। अभी तो बांग्लादेश के लिए भी खुला हुआ है, अभी श्रीलंका के लिए भी खुला हुआ है, सबके लिए द्वार खुले हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है बिकॉज सबने सबसे खेलना है, 9 मैच सबने खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर पाकिस्तान हरा देता है 6 मैच बचेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सारे जीतने पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन सबसे अच्छा आज की जीत से अफगानिस्तान के लिए भी ज्यादा अच्छा ना मैं बोलता हूं पाकिस्तान के लिए हो गया, सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान के। अगर इंग्लैंड जीतती सीधे सीधे टॉप 4 में जाती, पाकिस्तान नीचे आ जाता, वो अभी जो चौथे पर हम देख रहे हैं वो 5वें पर होता, लेकिन इंग्लैंड के हारने से पाकिस्तान वहीं पर बरकरार है। और अगर ये कहीं अपना अगला मैच जीत ऑस्ट्रेलिया से भाई आप दावेदारी और ज्यादा, पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा दिन है ये, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान ऊपर आए, कल मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मैंने थोड़ा ओवर भी किया, नहीं मेरे को नहीं पसंद यार कि बाहर जाए यहां से, सच्ची बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों को लगता है इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हो सकता है मुझे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आज यहां पर अफगानिस्तान ने हराया है, पाकिस्तान ने एक काम करना है, अफगानिस्तान वाला मैच अभी छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भाई, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने मारा वन साइडेड, ऑस्ट्रेलिया को मारा अपना किसने मारा साउथ अफ्रीका ने मारा वन साइडेड, कोई कारण नहीं है कि तुम नहीं हरा सकते, स्पिनर को लेके आओ पाकिस्तानियों जाग जाओ, ओसामा मीर को खिला लो भाई, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, शादाब को बिठा दो, नवाज को बिठा दो, फखर जमान को खिला लो, फखर जमान वो आदमी है जिसने मिचेल स्टार्क का भरता बना दिया था, जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था सेमीफाइनल में, इमाम बाहर करो यार, इमाम पर्ची की पर्ची काट दो, पर्ची फर्जी है, करो बाहर, पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया पाकिस्तान अगर टॉप 4 में जाते, अभी रुक जा लक्ष्य पॉइंट टेबल पे रहते आते हैं इसके ऊपर भी, पाकिस्तान के लिए सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, अगर यहां पर तुमने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, मैं देख लेता हूं पाकिस्तान से कौन रोक लेता है टॉप 4 में, बिकॉज एक एक मैच के साथ ऑस्ट्रेलिया आउट है भाई, ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद 6 के 6 मैच लगातार जीतने और अच्छी नेट रन रेट देख रहे हो उसकी, ऑस्ट्रेलिया की 10वें नंबर पर है, अगर तुम हार गए ऑस्ट्रेलिया से फिर शक्ल मत दिखाना, फिर ड्रामेबाजी मत करना, फिर ड्रामेबाजी मत करना कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, भारा नहीं होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराओ, कुछ भी करो उसको बाहर करो, मैं तुम्हारे से ज्यादा तो अपने लिए मांग रहा हूं उसको बाहर करो भाई, वो सबके लिए टेंशन है, उसको बाहर करो ऑस्ट्रेलिया को, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराओ। अच्छा आ जाओ अफगानिस्तान पे, आज दिन है अफगानिस्तान का, मेरे अफगान भाइयों को इतनी ज्यादा मुबारक, जिस कंट्री ने इतना स्ट्रगल किया गवर्नमेंट वाइज, पॉलिटिक्स वाइज, मईशत देख लो आप, इकोनॉमी देख लो, एवरीवेयर तक यहां पे कितने अफगान लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता भाई, हम अगर मोबाइल रिचार्ज कराने जाए ना, हिंदुस्तानी हमें बोल देते हैं भाई बाद में जाना, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है यहाँ पे अफगान लोगों की, अभी तो फिर भी कम है, इतने अफगान यहाँ पे रह रहे हैं आज, ग्राउंड में पागलपन हो रहा होगा, यहाँ पे पटाखे जलेंगे। सो वेरी बिग डे फॉर अफगानिस्तान, बट कैन अफगानिस्तान कंटिन्यू दिस बैटिंग, दिस बॉलिंग? यू कैन कंटिन्यू, बॉलिंग में आपकी कमी नहीं है, बैटिंग में क्या गुरबाज, जादरान, शाहिदी, ये लोग और नबी भी जोड़ लो, जितनी बैटिंग लाइनअप है, क्या आप कंसिस्टेंटली 270-280 कर सकते हो? अगर आप कंसिस्टेंटली 270-280 कर सकते हो, आपकी बॉलिंग बैट ऑपोजिशन को फंसा सकती है, और चेजिंग में भी आपको जान मारनी पड़ेगी, है ना भाई, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट खुला हुआ है। अच्छा लक्षित, मेरे को जल्दी से ना पाकिस्तान के अफगानिस्तान के दोनों के फिक्सर दिखाओ, अभी फिक्सर देखे थे ना, एक बार फिक्सर देखते हैं यार, उसमें आएगा असली मजा खेल का, बिकॉज फिक्सर से बहुत कुछ पता चल जाएगा। बांग्लादेश अफगानिस्तान, अच्छा ये तो हो चुका है, ये नीचे वाला, नीचे से न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ यहां से दिखाना। नेक्स्ट है जी वेडनेसडे को 18 अक्टूबर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, ये गेम अफगानिस्तान के लिए टफ है, उसके बाद 23 को है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये गेम अफगानिस्तान के लिए जितनी मुमकिन है, पाकिस्तान के लिए जितनी मुमकिन है, मैं इस गेम को भाई
यार मैं क्या बोलूं इसके लिए, नहीं नहीं 50-50 तो नहीं है, बट अफगानिस्तान आई विल से दिस मैच इज 65 पाकिस्तान 35 अफगानिस्तान. सॉरी अफगानिस्तान वाले लोग बुरा मत मानना भाई, लेकिन सच बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, और तुम्हें हमेशा हराते हुए भी आए हैं. तुम्हारे लिए चांस है कि तुम्हारे स्पिनर्स का जैसे आज दिन हुआ है आउटस्टैंडिंग दिन हो जाए, आउटस्टैंडिंग, और बैटर्स भी अच्छा कर जाएं. प्रॉब्लम तुम्हारी बैटिंग में है, लेकिन 35% चांस कम नहीं होता. 65 अगर मैंने दिया है पाकिस्तान को, 35 अगर अफगानिस्तान को दे रहा हूं, कम नहीं होता 35% चांस. अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, अफगानिस्तान जीतेगा, जीतना चाहिए, जीतेगा नहीं बोलूंगा, जीतना चाहिए, यहां पे मैं बोलूंगा आपको जीतना चाहिए. नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान आपको जीतना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान ऑब्वियसली आपको मुश्किल है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान आपको मुश्किल है. देखो टॉप फोर में अफगानिस्तान का मुश्किल लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो आप, पाकिस्तान की पार्टी स्पॉइल कर दोगे. अच्छा पाकिस्तान का दिखाना फिक्स्चर, पाकिस्तान के फिक्स्चर दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान के भी फिक्स्चर देखना. देखो जरा पाकिस्तान का फिक्स्चर, पाकिस्तान का फिक्स्चर ये है, नेदरलैंड से जीत गए, श्रीलंका से जीत गए, इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, भाई इनके बड़े टफ मैच है भाई, तीनों तीनों ही टफ है. ऑस्ट्रेलिया से खेलना है पाकिस्तान ने, फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खेलना है, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से खेलना है मेरी जान. फिर ठीक है बांग्लादेश वाला तुम निकाल लोगे, न्यूजीलैंड वाला भी, चलो तुम कम से कम ये बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तुम हमेशा अच्छा खेलते हो, बट इस बार न्यूजीलैंड से तुम जीतोगे नहीं, अब नहीं जीतेंगे. अच्छा इंग्लैंड वाला मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीत जाए. ऊपर जाना लक्षित, इसमें से मेरे भाई तुम दो मैच जीते हुए हो ना, दो मैच जीते हुए, ऑस्ट्रेलिया जीत लो, लक्षित इतना नहीं रह ले यार, जो अभी के मैच है उस पर रहे, ऊपर जाओ बस. नहीं देखना इंडिया पाकिस्तान, जो पुराने वाले हो गए हैं वो, ऊपर जाना. हाँ देख, और तुम दो मैच जीते हुए, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत जाओ ठीक है, अफगानिस्तान वाला मैच जीत जाओ, चार हो गए. साउथ अफ्रीका से तुम मुश्किल है तुम्हारा, हारोगे, ये नहीं गिन रहा. बांग्लादेश से तुम जीतोगे, पांच हो गए. न्यूजीलैंड से शायद तुम हार जाओ ठीक है ना, और लास्ट इंग्लैंड वाला मैच छठा तुम्हें जीतना ही पड़ेगा. छह मैच हो जाएंगे अगर तुम, मैं तुम्हें दो हार रख रहा हूं यहां पर, सिर्फ दो हार दे रहा हूं, साउथ अफ्रीका वाला और न्यूजीलैंड वाला, उसमें से भी एक जीत जाओगे तो तुम्हारा टॉप फोर पक्का है. मैं यहां पर यह बोल रहा हूं ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं भाई, तुम जो है यार ऐसे बीच में मत आया करो. ये बोल रहा हूं मैं आपको कि आप ना ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हरा दो अगला मैच, बाकी भी छोड़ दो. तुम्हारे मैंने अभी मैच गिनवाया तुमको, अगर तुमने गड़बड़ करी फिर तुम नहीं जा रहे, तुम छह जीत पे भी जा सकते हो बेस्ड ऑन नेट रन रेट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट की बेड़ा गर्क हो गया. अभी इंग्लैंड की भी नेट रन रेट दिखाई थी, उनका भी बेड़ा गर्क, वो माइनस में आ गया. बट अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हरा दिया, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया को अगर ये हरा देते तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तुम नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो अफगानिस्तान वाला मैच है ना, वो तुम्हारा डू और डाई मैच है. अगर अफगानिस्तान से हार गए बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट. तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से जीत जाओ, अफगानिस्तान से जीत जाओ, साउथ अफ्रीका से टफ है, बांग्लादेश से जीत जाओ, उसके बाद तुम जीत जाओ यहां पर आकर न्यूजीलैंड से टफ है, इंग्लैंड से जीत जाओ, ये चार मैच जीतो, बीच में एक बोनस मिल गया. अगर अगर तुम वहां पे न्यूजीलैंड से जीत गए या तुम वहां पे साउथ अफ्रीका से जीत गए तो बहुत अच्छा हो गया. लेकिन ये मत कर देना कि ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए और अफगानिस्तान से भी हार गए, फिर तो फ्लाइट पकड़ के कराची आ जाना, फ्लाइट पकड़ के लाहौर आ जाना. बट Yes, very honest, true, good chance for Pakistan. अब पता चलेगा तुम्हारी टीम में कितना दम है. क्राउड ने ये बोल दिया, जय श्री राम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा. नहीं यार, जो टीम नीचे लगी हुई है उसको मारो और बाहर करो, ऑस्ट्रेलिया को हराओ और बाहर करो, वेट मत करो अब किसी की,